अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियस गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 100 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर जूलॉजी फॉर सिंध बोर्ड एग्जाम। वो स्टूडेंट जो सिंध बोर्ड के एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम 100 के अराउंड जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम उन्हें बताएंगे, जो कि MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये MCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमने पास पेपर के तकरीबन सिंध बोर्ड के तमाम पास पेपर के MCQ को रिव्यू करने के बाद उन तमाम पॉइंट्स को एक साथ हमने क्या किया है, कंपाइल किया है, जो बार बार पास पेपर में पूछे गए हैं। तो इस लिहाज से वो स्टूडेंट जो इन 100 पॉइंट्स के अराउंड पॉइंट्स को अच्छे से अगर तैयारी कर लेता है तो एंड मुमकिन है कि उसके फाइनल एग्जाम में बहुत सारे MCQ इन्हीं पॉइंट में से इंशाल्लाह आएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन तमाम स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिएगा जो इस साल फर्स्ट ईयर जूलॉजी के एग्जाम में क्या होने जा रहे हैं, अपियर होने जा रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है 55% ऑफ द ब्लड। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का 55% हिस्सा क्या है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा, और रिमेनिंग 45% जो है वो ब्लड कॉर्पसल हैं, जो कि ब्लड सेल का पार्ट है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ चैम्बर इन हार्ट फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2, और ह्यूमन हार्ट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा 4। बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट्स की कोई भी एग्जांपल हो, चाहे वो ग्रास होपर हो, कॉकरोच हो, इंसेक्ट की कोई भी एग्जांपल हो, उनकी बॉडी कैविटी को हम नाम देते हैं हीमोसील, क्योंकि उनकी बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड होता है। पॉइजन ऑफ स्नैक, स्नैक का जो पॉइजन है कई काफ़ी बार पूछा गया है, उसे विनोम कहते हैं, और स्नैक के जो कर्व टीथ होते हैं जिससे वो पॉइजन बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है, उन कर्व टीथ को फैंग्स कहते हैं। हार्ट फंक्शन बिगिन बिफोर बर्थ एंड सीजिस विद डेथ। आपसे पूछा जाए वो कौन सा ऑर्गन है जिसका फंक्शन जो है वो पैदाइश से पहले शुरू हो जाता है और मरने के टाइम पे जो है वो स्टॉप होता है, तो वो ऑर्गन है हार्ट। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड ornithology कहते हैं, स्टडी ऑफ फिश ichthyology कहते हैं, स्टडी ऑफ सी ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मैरीन बायोलॉजी। क्लास ऑफ प्रोटोजोआ विच इज टोटली पैरासाइट, प्रोटोजोआ की वो कौन सी क्लास है जिसमें सब के सब पैरासाइट्स हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्लास है स्पोरोजोआ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में कोई भी एग्जांपल दी हुई हो, उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो मेल्पीजियन ट्यूब्यूल होता है। आर्कियोटेरेक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये एक फॉसिल है जो पहले ज़माने के जो है वो पुराने ज़मानों में इसकी जो है वो फॉसिल जो है वो दरियाफ्त हुए, और कहा जाता है ये एक ऐसा जानदार है जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान लिंक को शो करता है, यानी इसकी कुछ खसूसियत परिंदों जैसी है तो कुछ खसूसियत इसकी रेप्टाइल जैसी है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स सैरिंग्स, बर्ड्स के अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो सैरिंग्स है, एंड इन ह्यूमन बींग्स इंसानों के अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट्स आपसे पूछे जाए तो आपका आंसर होगा स्क्विड। एनिमल स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ जायगोट, कोई भी एनिमल अपनी जिंदगी का आगाज जायगोट के तौर पर शुरू करते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं। एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन की जो एवरेज लंग कैपेसिटी है वो 5000 सेंटीमीटर क्यूब है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, जबकि आपकी बुक में सिंपल लार्जेस्ट ऑर्गन भी पूछे जाते हैं लीवर, लेकिन जनरल फैक्ट आपको याद होना चाहिए कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन जो है वो लीवर है, जबकि ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। तो स्किन का जिक्र आपकी बुक के अंदर नहीं है, आपकी बुक में अगर डायरेक्ट पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लीवर है, लेकिन हकीकत में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन लीवर है और ओवरऑल लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो स्किन है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन आर प्रेजेंट इन टॉर्पीडो के अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं। नेमेटोसाइट्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रा के अंदर नेमेटोसाइट्स पाए जाते हैं। एयर सैक्स आर प्रेजेंट इन बर्ड्स, परिंदों के अंदर जो है वो एयर सैक्स पाए जाते हैं जिसके जरिए वो एयर को स्टोर करते हैं। प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम इज एपोएंजाइम, प्रोटीन पार्ट जो है वो एपोएंजाइम कहते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। एंटीबायोटिक्स वो केमिकल होते हैं विच इज रिक्वायर्ड इन लो कंसेंट्रेशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बिल्कुल कम मिकदार में चाहिए होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए। फाइलम पोरीफेरा इज इंक्लूडेड इन पैराजोआ, फाइलम पोरीफेरा को पैराजोआ के अंदर इंक्लूड करते हैं। इंटोर्शन ट्विस्टिंग ऑफ विस्ट्रल मास अकर एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पर एनिमल जो है वो टोर्शन के फिनोमिना में अपने आप को ट्विस्ट करता है।
नेक्स्ट है बेलेनोग्लोसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेमिकोडेटा. मायोग्लोबिन इज फाउंड इन मसल्स. नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान मार्कोर है. लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश ट्यूब फीड. पैरामेशियम पूछे जाए तो सीलिया. अमेबा पूछे जाए तो सूडोपोडिया. और यूग्लिना पूछे जाए तो फ्लेजिला है. ग्रास ऑपर बिलोंग टू फाइलम अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. फूड वैक्यूल इज प्रेजेंट इन अमेबा. सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीडिंग अपनी न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं वो स्पीशी कहलाता है. पैराब्रोंकाई आर फाउंड इन बर्ड्स. पैराब्रोंकाई जो है जिसे एयर सेक्स भी कहते हैं ये बर्ड्स में पाए जाते हैं. फार्मिंग ऑफ हनी भी अगर आपसे पूछा जाए तो एपिकल्चर. सिल्क वॉर्म अगर पूछा जाए तो सेरिकल्चर. सिल्क वॉर्म की फार्मिंग को सेरिकल्चर कहते हैं और हनी बी की फार्मिंग को एपिकल्चर कहते हैं. स्पोरोजोइट्स आर प्रेजेंट इन स्लेवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो. फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो के स्लेवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो स्पोरोजोइट की शक्ल में पाया जाता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटियल मिंटिस प्रोटोनेफ्रीडिया. स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर. स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट के इस्तेमाल होता है. सी हॉर्स इज अ फिश. याद रखिएगा ये कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके नाम बड़े ट्विस्ट करते हैं. अगर आपसे पूछा जाए तो सी हॉर्स जो है वो एक फिश की एग्जाम्पल है. स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्म की एग्जाम्पल है जबकि ये फिश नहीं है. सिल्वर फिश एक इंसेक्ट की एग्जाम्पल है ये फिश नहीं है. जेली फिश नाइडेरिया से ताल्लुक रखता है और ये भी फिश नहीं है. तो सी हॉर्स एक फिश है. स्टार फिश भी फिश नहीं है. सिल्वर फिश भी फिश नहीं है. जेली फिश भी फिश नहीं है. एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन टिश्यू. टिश्यू के अंदर खून का जमा हो जाना हेमेटोमा कहलाता है. डाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाई एंजाइम. डाइजेशन जो है वो एंजाइम के जरिए होता है. मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ज्यादातर जो खाने की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. स्टिमुलस फॉर द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम एसेनोड. याद रखिएगा दिल की धड़कन की जो कॉन्ट्रेक्शन की शुरुआत होती है वो दिल का एक पार्ट जिसे एसेनोड कहते हैं उससे शुरू होती है. इन मेडिकल साइंसेज ब्लू बेबीज आर नोन एज साइनोसिस. मेडिकल साइंसेज में ब्लू बेबीज जिसमें बेबी ब्लू हो जाती है उसे साइनोसिस कहते हैं. बिपिनेरिया इज अ लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म. बिपिनेरिया जो है वो इकाइनोडर्म का लार्वा है. लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो है वो बंद होते हैं. और डब साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो क्लोज होते हैं. ये बहुत अच्छे से याद रखना काफी बार पूछा गया है. एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद एंजाइम जो है वो पेप्सिन होता है. प्रॉन बिलोंग टू क्लास क्रस्टेशियन एंड फाइलम अर्थ्रोपोडा. अगर आपसे पूछा जाए प्रॉन कौन सी क्लास से ताल्लुक रखता है तो आंसर होगा क्रस्टेशियन. और अगर पूछा जाए कौन से फाइलम से तो आपका आंसर होगा अर्थ्रोपोडा. पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट इन ह्यूमन मसल. ह्यूमन मसल्स के अंदर पाए जाने वाला पॉलीसेक्राइड ग्लाइकोजेन है. अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट. वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें ल्यूकोसाइट्स की जो प्रोडक्शन होती है वो अनकंट्रोल होती है वो ल्यूकीमिया है. ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ब्लड जो है वो रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से. इन कॉकरोच पार्टली डाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन. वो खाना जो पार्टली डाइजेस्टेड होता है वो किसमें स्टोर होता है? क्रॉप में. वाटर वेस्कुलर सिस्टम. याद रखिएगा वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक यूनिक फीचर है इकाइनोडर्मेट्स का. यानी इसकी कोई भी एग्जाम्पल हो स्टार फिश सी कुकम्बर जो भी पूछा जाए उसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है. नेक्स्ट हमारे पास जो है पॉइंट नंबर 49 एमनियोट्स. एमनियोट्स वो होते हैं जिनके अराउंड जो है वो एक मेम्ब्रेन होती है उनकी डेवलपमेंट के दौरान. तो एमनियोट्स में कौन कौन सा आ जाते हैं? रेप्टाइल्स एप्स और मेमल्स तीनों आ जाते हैं. इन कॉकरोच ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट गैसेस. ब्लड जो है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं करता. इन क्लास साइक्लोस्टोमेटा एब्सेंस ऑफ जोस. साइक्लोस्टोमेटा जो है उनमें जोस नहीं होते. मोस्ट नंबर ल्यूकोसाइट्स इन प्रेजेंट. वो कौन से ल्यूकोसाइट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा. ट्राइपेनोसोमा बिलोंग्स टू क्लास मेस्टिगोफोरा. मेस्टिगोफोरा से ताल्लुक रखता है और मेस्टिगोफोरा जो है ना फ्लेजिलेटा को ही कहते हैं. कैंगरू जो है वो मार्सुपियल यानी पाउच मेमल है ये. डिस्पेप्सिया इज कॉमनली नॉन एज एपिगेस्ट्रिक पेन या एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट. डिस्पेप्सिया को कॉमनली एपिगेस्ट्रिक पेन या एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट कहते हैं. ऐसे नॉट प्रेजेंट कहाँ होता है? दिल के राइट एटीएम के पास पाया जाता है. रीजनरेशन ट्यूमर मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल क्लोनिंग. याद रखिएगा रीजनरेशन ट्यूमर और मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है वो नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल है. इसके अलावा कोई भी ऑप्शन होगा वो नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल नहीं है. ज्यादातर कौन सा ऑप्शन दिया जाता है? डाइजाइगोटिक ट्विन. डाइजाइगोटिक ट्विन नेचुरल क्लोनिंग की एग्जाम्पल नहीं है. ह्यूमन डेंटल फॉर्मुला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. इंसाइजर 2x2, कैनाइन 1x1, प्री मोलर 2x2 और मोलर 3x3. फीड अपॉन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीकम्पोजिंग मटीरियल. यानी ऐसे जानदार जो डीकम्पोजिंग
मटेरियल के फ्रेगमेंट्स से अपनी गिजा हासिल करते हैं वो डेट्रीवोरस कहलाते हैं। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल इजेशन कहलाता है। पाइल्स आर नोन एज हेमरॉइड्स, पाइल्स को हेमरॉइड्स कहते हैं। लार्वा ऑफ स्पंज, स्पंज के जो लार्वा को एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। नाइडेरिया के लार्वा को प्लेन्युला कहते हैं। ये लार्वा अच्छे से याद रखना है, स्पंज के एम्फीब्लास्टुला और नाइडेरिया के प्लेन्युला। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है जो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाया जाता है वो ट्रिप्सिन है, और जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाया जाता है वो पेप्सिन है। ये दोनों अलग अलग सवाल है। ज्वाइनिंग ऑफ टू मोनोमर, दो मोनोमर का आपस में जुड़ना कंडेंसेशन कहलाता है। इन अमेबा डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, अमेबा के अंदर डाइजेशन जो है वो कंप्लीटली इंट्रासेल्यूलर होती है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो बुक लंग्स है। मेमेलियन आरबीसीज डू नॉट कंटेन, मेमल्स के जो आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। मेमल्स हैव, मेमल्स के कौन कौन से कैरेक्टर हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और मेमोरी ग्लैंड इनके खास फीचर है। ह्यूमन लंग्स कंटेन 700 मिलियन एल्वोलाई, ह्यूमन लंग्स के अंदर 700 मिलियन एल्वोलाई होते हैं। स्नेक्स हैव नो लिम्स एंड नो एयर, इनके जो है वो कान भी नहीं होते और लिम्स भी नहीं होते। इन मलेरिया टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन में राइज अप टू 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, मलेरिया के अंदर जो है वो टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप पर मिनट बाय द लेफ्ट वेंटिकल इज कॉल्ड, भाई एक मिनट के अंदर जो लेफ्ट वेंटिकल जो भी ब्लड पंप करता है उसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं। नाइट्रोजिनस बेस कंबाइन विद पेंटोस शुगर, भाई नाइट्रोजिनस बेसिस है ना वो पेंटोस शुगर के साथ कंबाइन होती है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। सब्सटेंस प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ लीच प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लोटिंग, वो सब्सटेंस जो लीच के सलाइवा में पाया जाता है और खून को जमने से रोकता है उसे हायरोडीन कहते हैं। इन प्लेनेरिया डाइजेस्टेड फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय डायबेटिकुला, प्लेनेरिया के अंदर जो हजम शुदा खाना पूरी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डायबेटिकुला के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्पिटेटिव इनहिबिटर, जो है वो एक्टिव साइट पर अटैच होते हैं, एंजाइम्स को रोकने वाले जो होते हैं ना वो इनहिबिटर कहलाते हैं। अब इसकी दो टाइप है, कम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट पर अटैच होता है और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। एमेबियासिस इज कॉज बाय एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, एमेबियासिस एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका भी ऐसे होता है। वॉर्म लाइक एंड मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज ऊकाइनेट, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम का जो जाइगोट होता है वो वॉर्म लाइक होता है और हरकत करता हुआ होता है उसे ऊकाइनेट्स कहते हैं। द सब यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के जो सब यूनिट उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। लंगफिश बिलोंग टू ऑर्डर डिपिनोई, लंगफिश जो है वो ऑर्डर डिपिनोई से ताल्लुक रखता है। एयर दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द लंग ऑफ ह्यूमन बींग इज टर्म्ड एज, ऐसी हवा जो इंसानी लंग के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली एक्टिव एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादातर एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक्टिव होते हैं। एस्थमा जो है वो पोलन डस्ट और एनिमल फर की वजह से होता है, जबकि लंग कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। एम्फाइसीमा सल्फर डाइऑक्साइड जो इंडस्ट्रियल गैसेस जो होते हैं उसकी वजह से होता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं। ह्यूमन सेक्स हार्मोन आर क्लासिफाइड एज स्टेरॉइड, ह्यूमन सेक्स हार्मोन चाहे ईस्ट्रोजन हो प्रोजेस्टेरोन हो टेस्टोस्टेरोन हो वो स्टेरॉइड के एग्जांपल है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन बनता है, और लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन होते हैं तो लाइपोप्रोटीन बनता है, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड आपस में कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड बनता है। एनिमल हैविंग फॉल्स बॉडी कैविटी, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी कैविटी फॉल्स होती है जैसे नेमाटोड्स की बात करते हैं, सूडोसिलोमेटा होते हैं। नो बॉडी कैविटी, जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं होती जैसे फाइलम प्लेटीएलमेंटस की बात करते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं, और ट्रू बॉडी कैविटी वाले जो हैं सिलोमेट्स हैं जो कि एनिलिडास फाइलम एनिलिडा से लेकर कोडेटा तक सारे सिलोमेट्स हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलेंट्रेट्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सीलेंट्रेट्स का है। कंप्लीट वेंटिलेशन, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, ब्रीथिंग की बात करते हैं, तो कंप्लीट वेंटिलेशन का जब भी वर्ड आए वो बर्ड्स के अंदर होती है, और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन जो है एम्फीबियन के अंदर। ये दो कॉमन पॉइंट है। हनी बी हैज ए स्पेशलाइज माउथ फॉर च्यूइंग एंड लैपिंग, हनी बी का जो माउथ अल्लाह ताला ने दिया है वो स्पेशलाइज होता है च्यूइंग और लैपिंग के लिए। कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, वो ब्लड वेसल जो ब्लड को दिल से दूर लेकर जाएगी वो आर्टरी है। कैरिंग ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, जो दिल के करीब लेकर आएगी वो वेन है। साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, वो ब्लड वेसल जहाँ गैशियस एक्सचेंज होती है वो कैपिलरीज कहलाती हैं। इम्यूनोलॉजी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी को स्टडी करते हैं। एसेक्सुअली प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम जिसे शाइजोगोनी कहते हैं। रेड पिगमेंट इन मसल मायोग्लोबिन है, और इसका फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन स्टोर करना है। एग लेइंग मैमल जो है वो प्रोटोथेरिया कहलाते हैं। स्केलेटन्स ऑफ स्पंज जो है उसे स्पाइक्यूल्स कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय प्लेटलेट्स, खून का जो जमने की शुरुआत है वो प्लेटलेट्स होती है। इनवर्टिब्रेट्स हैविंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसा इनवर्टिब्रेट जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज होता है वो इनवर्टिब्रेट्स जो है वो फाइलम एनिलिडा से ताल्लुक रखते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी सेल, एंटीबॉडीज है वो बी सेल से प्रोड्यूस होते हैं। मैग्नीशियम इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर एंजाइम फॉस्फेटेज, मैग्नीशियम
एनजीएम जो है वो इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर है एंजाइम फॉस्फेटेज का. आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन बोन मेरो, आरबीसीज बोन मेरो में बनते हैं. रीजन ऑफ स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, वो स्टमक का कौन सा हिस्सा है जहां से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, वो पाइलोरिक रीजन है. आरबीसीज कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट, आरबीसीज के बाद जो एंजाइम होता है उसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट कहते हैं. ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अर्थवर्म के सेमिनल वेसिकल के अंदर पाया जाता है उसे मोनोसिस्टाइटिस कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन मिल्क, कार्बोहाइड्रेट जो मिल्क के अंदर पाया जाता है उसे लैक्टोज कहते हैं. हार्ट बीट पर मिनट इन हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन के अंदर दिल की धड़कन 72 टाइम्स होती है पर मिनट में. रिकरेंट अटैक ऑफ ब्रेथलेसनेस जो है वो एस्थमा में होती है. तो ये तकरीबन 100 के अराउंड जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और बाज़ुकात तो एक एक पॉइंट्स में कई कई एमसीक्यू हमने कवर किए हैं. तो इंशाल्लाह अगर आप इन पॉइंट्स की तैयारी करके जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके फाइनल जो पेपर है उसमें बहुत सारे एमसीक्यू जो है वो इन्हीं पॉइंट्स से आएंगे इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़.